नमस्कार। आज हम एक साथ में देखेंगे बिहार सीसीटीएनएस एप्लीकेशन में चार सीट की प्रविष्टि कैसे की जाती है। हमारे सामने में जो पेज प्रदर्शित हो रहा है वो बिहार सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर की मुख्य पृष्ठ है। इसमें हमने आईओ के लॉगिन से लॉगिन किए हुए हैं और बाएं तरफ कार सूची में जाएंगे। कार सूची में केस निष्पादन, केस निष्पादन में यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा चार सीट। यहीं से चार सीट अंतिम रिपोर्ट, न्यायालय का निष्पादन की प्रविष्टि, जो भी न्यायालय से निष्पादन होगा, अपील अगर करनी है न्यायालय निष्पादन के बाद उसकी प्रविष्टि, और जो एक्टिव केस हैं थाने में जो जो केस रजिस्टर्ड हुए हैं सीसीटीएनएस में, उसको जो डिस्पोज करेंगे, उसका जो निष्पादन करेंगे, चाहे वो नॉन एफआईआर मामलों के लिए, चाहे वो एफआईआर मामलों के लिए, चाहे पुलिस एनसी का, तो केस निष्पादन नॉन एफआईआर मामला, केस निष्पादन एफआईआर प्रथम आवेदन रिपोर्ट के हिसाब से, और केस निष्पादन पुलिस एनसी से, यहीं से हम करेंगे। यहीं चार सीट पर नई एंट्री भी कर सकते हैं और चार सीट से हम चार सीट का रिपोर्ट भी देख सकते हैं, और सीआरपीसी 169 की जो रिपोर्ट है उसको भी हम यहाँ से देख सकते हैं। वो ऑटो जनरेट होगा अपनी प्रविष्टि के बेस पे। शुरू करते हैं केस निष्पादन चार सीट नई एंट्री। किसके लॉगिन से करेंगे, हमेशा याद रखेंगे, केस संबंधित कोई भी प्रविष्टियाँ केस रजिस्टर्ड के बाद, कांड रजिस्टर्ड के बाद, कांड संबंधित हर एक प्रविष्टियाँ उस कांड में लिए गए जांच अधिकारी के लॉगिन से ही होगा। चाहे वो गिरफ्तारी हो, चाहे वो जब्ती हो, चाहे वो जाँच की यात्रा हो, चाहे वो केस डायरी हो, और चाहे वो चार सीट एफआईटी हो। यहाँ पे हम अब चार सीट के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये अब इस कांड की, अब यहाँ पे हम मामला संख्या ढूंढेंगे जिस कांड की हमें केस चार सीट काटनी है, चार सीट की प्रविष्टि करनी है। जैसे सपोज मैं 51 नंबर कांड ले रहा हूँ, यहाँ पे वो सर्च करेंगे कांड और चयन करेंगे कांड का, चयन करें। यहाँ पे वो पेज अब हमारे सामने में चार सीट काटने के लिए सारे पेज, जितने पेज जरूरत है वो पेज आ गए। इसमें देखिए मूल विवरण, क्या आरोपी पर चार सीट लगाया गया, कौन सा आरोपी पर चार सीट लगाया गया, किस आरोपी पे अभी चार सीट नहीं लगाया जा रहा है। अगर कांड में एक से ज़्यादा अभियुक्त और पहला चार सीट एक ही अभियुक्त का काटा जा रहा है, तो बाकी सारे अभियुक्त का विवरण यहाँ पे डालेंगे। संपत्ति का विवरण, अगर संपत्ति सीज हुई है तो ये डिटेल यहाँ से आएगा। गवाह का विवरण, जो जो गवाह चार सीट में है इस अभियुक्त के लिए, इस कांड के लिए, वो गवाह का हम यहाँ पे विवरण सेलेक्ट करेंगे, और अन्य जानकारी। इतने दो दो चार दो छः टैब में हमें चार सीट की जानकारी डालनी है। याद रखेंगे इसमें हमें प्रविष्टि जो करनी है, इंट्री टाइपिंग जो करनी है, बहुत कम ही में जो करनी है, क्योंकि ज़्यादातर ये ऑटो सेलेक्टेड होंगे। आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है जो जितने भी सारे इंट्री आपने भूतकाल में लिए हुए इस कांड संबंधित, जो जो आरोपी हैं, जिस जिस आरोपी पर नहीं किया गया, सारा आपको ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना पड़ेगा। शुरू करते हैं मूल विवरण से। यहाँ पे आपको दिख जाएगा किस एक्ट और सेक्शन के तहत ये चार सीट कटा हुआ है। यहाँ पे देखिए एफआईआर का अपराध और अन्य विवरण हिंदी में। उदाहरण के लिए अगर आपने एफआईआर करते समय उसका संक्षिप्त विवरण जो डाले हैं वो सही डाले हुए हैं और उसी के साथ आगे चार सीट में जानना चाहते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, वो आ जाएगा। जो सेम चीज़ यहाँ पे जो अपराध विवरण डालना है हमें, या अपराध विवरण जो डाले हैं हिंदी में, उसी को अभी हमें यहाँ पे इंग्लिश में कन्वर्ट करके देना है। आपको अगर इंग्लिश आती है तो डायरेक्ट आप ट्रांसलेट करके यहाँ पे लिखिए, अगर इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत है तो आप गूगल ट्रांसलेट का जो हो फंक्शनलिटी अवेलेबल है गूगल पे, उसकी सहायता ले सकते हैं। यहाँ पे न्यायालय का नाम खोजेंगे, खोजे पे क्लिक करेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके जिला में जितने भी न्यायालय हैं, जो जो सीसीटीएनएस में अभी ड्रॉप डाउन में दिखेंगे आपको, वहाँ से उस हिसाब से अपना आप सेलेक्ट करिए। यहाँ पे सपोज पटना है, पटना मैंने लिया, यहाँ पर खोजे पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको ड्रॉप डाउन में सारा न्यायालय का नाम आपको दिखेगा, उस न्यायालय में से हम अपना न्यायालय सेलेक्ट करेंगे। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चयन किया। उसके बाद यहाँ पर आईओ का नाम ऑटोमेटिकली आएगा, किस डेट को चार्जशीट भेजा काटा जा रहा है, अब लिखा जा रहा है, या कोर्ट को भेजा जा रहा है, वो डेट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सपोज 10 तारीख, आज का ही डेट लेते हैं, आज ये वीडियो बन रहा है, जो टाइम होगा वो टाइम लेंगे। क्या चार्जशीट, कौन सा चार्जशीट है, ओरिजिनल या सप्लीमेंट्री। अगर ओरिजिनल है, पहला चार्जशीट डेफिनेटली ओरिजिनल, तो वहाँ पे असली और वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कम शिकायतकर्ता का विवरण हमें अलग से डालने की ज़रूरत नहीं, ये सब समय की बचत है। जब हम कम्प्लीटली डिजिटल मोड पे आ जाएंगे, ये बार बार एक ही चीज़ को जो रिपीटेडली दोबारा लिखना पड़ता है, वो लिखने की ज़रूरत, वो समय की बचत है। अब किस आरोपी पे चार्जशीट काटा जा रहा है, लगाया जा रहा है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको सारे आरोपी आएंगे। सपोज प्रशांत कुमार देश, उसकी क्या सारा डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगा। आपको फिर से उसका पता, उसका नाम, उसका नंबर, उसका एज, उसका कैटेगरी, उसका जेंडर, ये सब लिखने की दोबारा ज़रूरत नहीं है सीसीटीएनएस एप्लीकेशन में।
उसका फिर स्थिति जो भी होगा, हिरासत या जमानत, उसके हिसाब से आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करेंगे अगर आपके पास इसका पूरी जानकारी है। अब डेफिनेटली अगर आईयू साहब बैठेंगे तो उनके पास सारी जानकारी होंगी, डेटा एंट्री ऑपरेटर के पास सारी जानकारी नहीं होंगी। आईयू से पूछेगा, सत्यापित आरोपी की व्यक्ति चार्जशीट किया गया, नाम और पता, हाँ उसका नाम और पता सत्यापित है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए, कुछ भी डिटेल आपको पता नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। संदेह की पुष्टि कन्फर्म हो रही है यस या नो, जो भी स्थिति होगा उस हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, बाद में आरोपी जोड़ेंगे। अगर इसी कांड में दूसरे अभियुक्त के लिए भी इसी चार्जशीट में विवरण करना है, एक ही चार्जशीट में दूसरा अभियुक्त भी डालना है तो दूसरा अभियुक्त भी यहाँ पे हम वैसे ही जैसे प्रक्रिया से अभी सेलेक्ट किया आरोपी जोड़े हैं वैसे जोड़ सकते हैं। अब देखिए तीसरा टैब है मुकदमे के लिए, जिस आरोपी को इस कांड के लिए अभी फिलहाल मुकदमे के चार्जशीट नहीं काटा जा रहा है, मुकदमे के लिए कोर्ट में नहीं भेजा जा रहा है फिलहाल के लिए, उसका डिटेल, उसका नाम, जमानत, पहचान, हिरासत, जो भी डिटेल होगा, क्या भगोरा है, यस या नो, नो तो यस, यस यस, नो तो नो, चाहे सत्यापित हो, आरोपी व्यक्ति के विशेष रूप में चार्ज नहीं दिया गया हो, यस या नो, जो भी डिटेल होगा, संदेह की पुष्टि, यस या नो, जो भी डिटेल होगा उसके हिसाब से अगर जानकारी उपलब्ध है तो यस नो पर क्लिक करेंगे, नहीं तो ब्लैंक छोड़ेंगे। चार्जशीट नहीं कराने के कारण सपोज अपर्याप्त सबूत है, अन्य है, जो भी है, केस कंपाउंड सीआरपीसी 169, अनुसंधान जारी है या जाँच जारी है, यहाँ पे हम लिख देंगे जाँच जारी है, जाँच जारी, उदाहरण के लिए अभी जांच कंप्लीट नहीं हुआ, अनुसंधान पूर्ण नहीं हुआ, यहाँ पे आरोपी जो रहे हैं, ये कौन सा आरोपी जिसके खिलाफ अभी हम चार्जशीट नहीं काट रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं। अब संपत्ति का विवरण, अगर इसका सीजर किए हैं, अगर हमने संपत्ति का सीजर इस सीसीटीएनएस एप्लीकेशन में किया है, जस्ट संपत्ति की प्राप्ति पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो आ जाएगा, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, दोबारा आपको जब्ती सूची इसमें डालने की जरूरत नहीं है। गवाह का विवरण, अब इस जिस कांड में जितने भी गवाह का डिटेल इस सीसीटीएनएस एप्लीकेशन में डाला गया हो, चाहे वो आई विटनेस हो, चाहे वो गिरफ्तारी के समय गवाह हो, चाहे वो जब्ती के समय गवाह हो, चाहे जांच यात्रा के समय गवाह हो, जैसे भी किसी भी फॉर्म में किसी भी प्रारूप में अगर उस गवाह का नाम यहाँ पर प्रविष्ट किया गया, साक्ष्य गवाह, आप साक्षी प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में दिखेगा, आप उसमें से सेलेक्ट करेंगे, सपोज विशाल शाह जाँच अधिकारी, कंप्लेनेंट राधिका, ये दो गवाह को आप दे रहे हैं, पंच प्रॉपर्टी सीजर के समय मुकेश थे, अगर इनका भी है इनको भी चर्चा लेना है अब चार्जशीट में एज ए गवाह इस अभियुक्त के खिलाफ, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और लास्ट में अन्य जानकारी, अगर ऐसा कोई सूचना, अन्य कोई सूचना है तो यहाँ पर डालेंगे, अगर प्रयोगशाला का विश्लेषण का कोई परिणाम आया हुआ है, FSL रिपोर्ट वगैरह आया हुआ है तो हम यहाँ पर डालेंगे, नहीं है तो नहीं छोड़ देंगे। चार्जशीट टिप किया है, चार्जशीट का झुकाव जो है कि किस कंक्लूजन पर आप पहुंच रहे हैं, किस कैसे आप कंक्लूजन में पहुंच रहे हैं, कैसे अनुसंधान बंद करने की जरूरत नहीं, अनुसंधान बंद किया जाता है चार्जशीट, उसका आरोप पत्र दर्ज किया जाता है, उस कंक्लूजन पर आ रहे हैं, वो डिटेल हम यहाँ पर डालेंगे। कोई अटैचमेंट डालना है तो कोई अटैचमेंट यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर चार्जशीट की अभी तत्काल का करेंटली जो आपका चार्जशीट काट के कोर्ट में भेजे हैं फिजिकली वाला, उसको आप अटैच करना अटैच कर सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है, बाद में हम सुरक्षित करने पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये मैसेज आ जाएगा 51 के लिए चार्जशीट 01 के साथ सफलतापूर्वक सबमिट की गई, आप इनके इनबॉक्स में भेज दी गई है। इस तरह से हमने देखा कि कितना आसानी पूर्वक सीसीटीएनएस एप्लीकेशन में चार्जशीट की प्रविष्टि हम कर सकते हैं। धन्यवाद।